बेगूसराय में एक मछुआरे की अपने ही जाल में फंसकर डूबने से मौत हो गई। घटना बखरी थाना क्षेत्र के चकहमीत पंचायत के खड़कचक गांव की है, जहां गोयघाट पर मछली पकड़ने के लिए जाल लगा रहे एक मछुआरे की डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान जुगो मुखिया के पुत्र शत्रुघ्न मुखिया के रूप में हुई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि देर शाम शत्रुघ्न मुखिया मछली मारने गए हुए थे। जाल बिछाने के दौरान अचानक उनका पैर फिसल गया और वो अपने ही जाल में फंसकर डूब गए। काफी देर तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उनकी खोजबीन शुरू की, लेकिन शत्रुघ्न मुखिया का कहीं कोई अता पता नहीं चल पाया। परिजनों ने फिर सुबह से ही उनकी खोजबीन शुरू कर दी। काफी खोजबीन के बाद घाट के किनारे उनका शव बरामद हुआ। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेते हुए उसे पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंप दिया है। खड़कचक में गोयघाट है, उस गोयघाट में मछली पकड़ने गया था और मछली पकड़ने के क्रम में जाल लगाया था, उसी जाल लगाने के क्रम में वह उसमें फिसल गया और फिसलने से डूब कर उनका मौत। कहाँ की घटना है? यह है बखरी थाना क्षेत्र के चखमित पंचायत के खड़कचक गांव की। कब की? कल शाम में निकला था घर से और आज सुबह 5 बजे जो है लाश बरामद हुआ है उस चौर से, गोयघाट से। क्या कर निकले थे? क्या क्या बोल के निकले थे? ओ, मछली पकड़ने के लिए जाल लगाने के लिए गए थे। कब से ये काम करते हैं? ये शुरुआत से कर रहे हैं, लगभग 5 साल से पहले से कर रहे हैं। बताया जाता है कि मृतक पिछले 5 सालों से मछली पकड़ने का काम करते थे और इसी से अपने परिवार का गुजर बसर भी करते थे। देशवा न्यूज के लिए बेगूसराय से कृष्ण बल्लभ नारायण की रिपोर्ट। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।